करके जो शहर की समस्याएं उस बारे में चर्चा करी है, जिसमें प्रमुख रूप से कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लागू करी कि मुख्यमंत्री जनसेवा कल्याण योजना के अंतर्गत घर घर जाकर के हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। जैसे संबल योजना में कांग्रेस की सरकार ने जिन लोगों के नाम काट दिए थे उसमें फिर से संबल में नाम जोड़ रहे हैं, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, कहीं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत किसी हमारी बेटी का नाम रुक गया हो, कहीं पट्टे हो, ऐसी सारी किसी को वृद्धा पेंशन, ऐसी सारी योजनाएं अब हितग्राहियों को घर में पहुंच सरकार सेवा दे रही है और इसको लेकर के प्रशासन और सरकार लगी है। लेकिन यहाँ नगर निगम में देखने को मिला कि महापौर और निगम के अध्यक्ष के दबाव में यहाँ के कर्मचारी वार्डों में नहीं जा रहे हैं, हमारे पार्षदों को जानकारी नहीं दी जा रही कि कब सर्वे होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे शहर के जनता का, गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस जहाँ गरीबों की बात करती है तो ये कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस का चरित्र सामने आ रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इस महत्वाकांक्षी योजना जो हमने 17 तारीख से मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हैं, सारी योजनाओं में लोगों के नाम जुड़ जाएं, उनको लाभ मिले, अगर किसी का नाम राशन में नहीं है तो राशन कार्ड उनको बने, BPL कार्ड बने, तो इसको लेकर के योजना आई है। लेकिन कांग्रेस के महापौर के, कांग्रेस के अध्यक्ष के दबाव में अधिकारी कर्मचारी वार्डों में पहुँच के सर्वे नहीं कर रहे हैं और हमारे लोगों को, किसी पार्षद को उन्होंने जानकारी भी नहीं दी, इसको लेकर के चेतावनी दी गई है कि सर्वे जल्द से जल्द लोगों के नाम जुड़े। इसके अलावा हमारी जो मांग है कि जो सहायक सचिव नगर निगम बना था, सहायक सचिवों का संविलियन हो, उसको MIC में रखा जाए और जल्द से जल्द उनको सहायक सचिव का नाम हो। वार्डों की हमारी नवरात्रि भी आ गई, अभी गणेश उत्सव चला गया, जब से नगर निगम कांग्रेस की बनी है, महापौर कांग्रेस के बने हैं, सिर्फ अपना कमरा चमकाने में लगे, कमरे के रंग रोगन में लगे, ये अपने वार्डों में जाकर के अपने घरों को रंग रोगन कर रहे हैं, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखे गणेश जी के समय कितनी गंदगी रही, अब हमारा पर्व आ रहा है नवरात्रि का, तो सभी वार्डों में तरीके से व्यवस्थित साफ सफाई हो, जहाँ गणेश, जहाँ दुर्गा पंडाल रहे उसके आस पड़ोस में सफाई हो, पूरी सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है नगर निगम इनके बनने के बाद। तीसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे दैनिक वेतन भोगी को लेकर के कमलनाथ जी ने घोषणा करे थे नगर निगम चुनाव के पहले कि उनको स्थायी किया जाएगा। हमने कमिश्नर से कहा है कि महापौर से बातचीत करके कमलनाथ जी ने जो घोषणा किए थे, महापौर ने जो घोषणा किए थे, जल्द से जल्द दैनिक वेतन भोगी को स्थायी किया जाए, अगर वो नहीं करेंगे तो हम दैनिक वेतन भोगियों के साथ जाकर के आंदोलन करेंगे। तीसरा, जो पिछले 3-3 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी है, वो अभी पिछले हफ्ते आकर के इनको चेतावनी दी थी, कुछ लोगों को उन्होंने हमारे कहने पर तनख्वाह दी है, लेकिन जो दिन के बाकी बचे हैं 3-3 महीने, उन लोग को 3-3 महीने की तनख्वाह जल्द से जल्द मिले। ठेका कर्मचारियों का EPF भी काटा जाए, हमारी जब निगम थी तब EPF कटता था, लेकिन इनकी निगम बनने के बाद इन्होंने ठेका कर्मचारियों का EPF कटवाना बंद कर दिया। एक और बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्म आती है कि जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया है, हर घर में शौचालय बनवाए जिससे महिलाओं को लाभ हो, लेकिन यहाँ के महापौर और एक सभापति के दबाव में जो महिलाओं, सभापति के पति के दबाव ने जाकर के महिलाओं का जो शौचालय था नगर निगम का, उसमें ताला लगा दिया, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती है। महापौर आकर के जवाब दें, सभापति जवाब दें, उसके पति, यहाँ सभापतियों के, यहाँ एक्चुअली नगर निगम में जो सभापति के पति चला रहे हैं, पिछले दिनों एक इंजीनियर पे दबाव डाला गया, उसे डराया गया, चमकाया गया, इसके अलावा जो कर्मचारियों को गाली गलौज सभापति के पति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब नगर निगम का जो महापौर बने हैं उसको, उनके इसमें कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, और सारा काम यहाँ के नगर निगम के सभापति देख रहे हैं। अगर इस तरीके की हरकत होगी कि शौचालय में ताला लगा दिया गया, अगर आज नगर निगम किसकी है, कांग्रेस की है, और कांग्रेस की नगर निगम में होकर के वो यहाँ पर शौचालय बंद करवा रहे हैं, महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में, लगभग 150 महिला कर्मचारी है, दिन भर बहुत सारी महिलाएं आती है जिनके अपने काम होते हैं, और महिलाओं के शौचालय बंद करवाने का ऐसा निंदनीय काम कांग्रेस के द्वारा और महापौर के द्वारा किया गया है, इसके हम लोग ने चेतावनी दी है कि तुरंत ताला खुलवाएं। और हम लोग ने अभी समस्त वार्डों के, हमारे पार्षद जनप्रतिनिधिगण आए थे, उनसे वार्डों के जो विकास कार्य रुके हैं, हमने कमिश्नर साहब से निवेदन भी किया है और चेतावनी भी दी है कि एक महीने के अंदर उन वार्डों के विकास कार्य प्रारंभ हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करके उस विकास कार्य की जानकारी लेगी और जल्द से जल्द काम करेगी।